नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण के कार्य व शिक्षण व ज्ञान में अंतर। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षण की अर्थ परिभाषा विशेषताओं का वर्णन किया था। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का शिक्षण के कार्य व शिक्षण व ज्ञान में अंतर। ये अंतर में प्रत्येक जो आपको वर्णन कर रही हूँ प्रत्येक में ज्ञान क्या और जो टॉपिक हमारा जैसे कि ज्ञान और कौशल में अंतर, ज्ञान जो आगे टॉपिक आएगा हमारा प्रशिक्षण उसमें अंतर, ये अंतर मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रही हूँ। आज का जो सबसे पहले है हमारा वो है शिक्षण के कार्य कि शिक्षण हमारे किस किस कार्य में काम आते हैं तथा इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। शिक्षण जो हम कहते हैं कि ज्ञान में जहाँ ज्ञान एक क्रिया है उसके अंदर ही शिक्षण समाहित होता है। शिक्षण एक हमारी प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं कि शिक्षण जब भी हम सीखते हैं ज्ञान के बारे में जो शिक्षण हमारे जिसके द्वारा हमें प्रदान किया जाता है वो क्रिया चलती रहती है। ज्ञान के लिए हम कहते हैं कि ज्ञान हमारे आजीवन चलता है यानी कि हमें ज्ञान हम किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि शिक्षण के लिए हमारे लिए एक समय होता है एक निश्चित आयु होती है जब तक हम अपना शिक्षण का कार्य करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण के सबसे पहले मैं आपको शिक्षण के कार्य बता रही हूँ। सर्वप्रथम जो हमारे शिक्षण का कार्य है वो है हमारा अधिगम परिस्थितियों का निर्माण यानी कि सबसे पहले हम जो शिक्षण करवाते हैं उसमें जो शिक्षक है वो ऐसा वातावरण प्रस्तुत या कहते हैं ऐसे वातावरण हम बनाते हैं जिसमें बच्चों का अधिगम अर्थात सीखने की प्रवृत्ति जागृत हो। बच्चा चाहे कि मैं इसको सीखूं अर्थात उसमें ऐसे भाव ऐसी जिज्ञासुता प्रवर्तित की जाती है कि जिससे बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक हो। तो सबसे पहले जो हमारा कार्य है शिक्षण का वो होता है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण अर्थात छात्रों को सिखाने के लिए या सीखने के लिए प्रेरित करना, उन्हें ये दिखाना होता है या समझाना होता है कि जो चीज़ हमें करवाई जा रही है वो चीज़ उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो अर्थात हम ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिससे बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। सेकेंड है हमारा अभिप्रेरणा अर्थात बच्चों को जब हम अधिगम करवाते हैं या हम कहीं शिक्षक जब बच्चे को पढ़ाता है तो कुछ ऐसे शिक्षक के भी गुण होते हैं या हम कहें कि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि बच्चों को प्रेरित करता है यानी कि बच्चों के अंदर एक अलग से कहते हैं कि उनके भाव जागृत होते हैं कि वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं या कहें हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं, वो प्रेरित होते हैं उस चीज़ से कि हमें भी ऐसा कार्य करना है। तो इसमें कहा जाता है कि शिक्षण को जितना हो हमें प्रेरित करने लायक बनाना चाहिए कि बच्चे उसको जो हम सिखा रहे हैं उसके लिए बच्चे प्रेरित हो। तो इसमें कहा जाता है कि शिक्षण हमेशा प्रेरित करने वाला होना चाहिए जिससे बच्चे ये सीखें कि हमें ये कार्य हमारे कभी भविष्य में भी आवश्यकता आ सकती है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षण का कार्य अभिप्रेरणा यानी कि जिसकी स्वयं की भी इच्छा जागृत हो वो प्रेरित करने वाला हो तो ये बच्चों के लिए अभिप्रेरणा साबित होता है। थर्ड है हमारा शारीरिक व मानसिक विकास। शिक्षण के लिए कहा जाता है कि शिक्षण हमें शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है क्योंकि वो हमें सिखाता है कि शिक्षण की हमारे क्या कार्य हमारे लिए आवश्यक होते हैं। कहते हैं ना शिक्षण होती ही मानसिक योग्यता है जहाँ हम ज्ञान के लिए कहते हैं कि एक योग्यता के अनुसार हम ज्ञान ग्रहण करते हैं यानी बुद्धि। तो वो जब वो बुद्धि हमारे लिए आ जाती है कहते हैं हमारे पास योग्यता प्राप्त हो जाती है तब हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, विकास होता है हमारा कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वो रास्ता हमें शिक्षण दिखाता है, जो शिक्षण है वो हमें ये रास्ता दिखाता है जिसकी हम शिक्षा ले रहे हैं कि हमें किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है या किस तरीके से वो हमारे लिए आगे के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें हम कहते हैं कि शिक्षण के लिए हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं के लिए ये प्रेरित करता है। कहते हैं कि शारीरिक जो हम नए नए योगा व्यायाम जो करते हैं उनका भी तो हम शिक्षण लेते हैं, उनके बारे में भी हम सीखते हैं तो वो भी हमारे शिक्षण का एक हिस्सा होते हैं क्योंकि कहते हैं कि शिक्षण जरूरी नहीं है कि हम अपने विषय के लिए ही चयन करें। सबका अपना अपना खुद का मन होता है कि वो किस रूप में किस क्षेत्र में वो आगे जाएं। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारे विद्यालय
विद्यालय में जहाँ हम कहते हैं कि हमारे जो हम खेल कूद व्यायाम जो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो शिक्षण हमें दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, हमारे शारीरिक विकास के लिए। तो कहते हैं शिक्षण हमें शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं का हमें प्रशिक्षण, या कहते हैं जिनका हमें शिक्षण करवाते हैं, हमें सिखाते हैं कि ये दोनों हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रेक्षण, यानी कि शिक्षण में कहते हैं ज्ञान में सूचनाएं समाहित होती हैं, लेकिन उस सूचनाओं को हमें किस तरीके से प्रयोग में लेना है, या कौन सी सूचना हमें किस शिक्षण में काम आती है, अर्थात किस विषय से संबंधित, किस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो हमारे लिए जिस विषय की आवश्यकता होती है, जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, वही हमें सूचना प्रेषित होती है। किसके माध्यम से? शिक्षण के माध्यम से। और शिक्षण हमें कौन देते हैं? शिक्षक। तो शिक्षक हमें ऐसी सूचनाएं प्रदान करती हैं जो कि हमारे उस चीज़ से संबंधित होते हैं या उस विषय से हमारा संबंधित होते हैं। तो इसमें कहते हैं सूचना का प्रेक्षण, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान हमारा शिक्षण की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है, जिसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारे अधिगम समस्याओं का निदान। अधिगम समस्याओं का निदान यानी कि जो हमारे अधिगम में यानी सीखने में जो भी हमारी समस्याएं आती हैं, उनका हमारा शिक्षण के माध्यम से हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम बच्चे कई होते हैं कि जो लिखने में बहुत स्लो होते हैं, कोई कुछ ये होता है कि बच्चे किसी चीज़ को पूछने के लिए बच्चे पूछ नहीं पाते हैं, तो ये जो समस्या कहते हैं ना कि कोई बोलने में, कोई लिखने में, या कहें कोई अपने कहते हैं कि कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कोई बाहिर्मुखी होते हैं, वो अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते, या हम कहें कि कई बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, तो ये जो विभिन्न समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं, कुछ शुद्ध बोल नहीं पाते, शुद्ध पढ़ नहीं पाते, तो ये सारी जो अधिगम की समस्याएं आती हैं हमारे सामने, या हम कहें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो ये सब जो हमारे ना समझने वाली चीज़ें जो हमारे समस्याओं का रूप लेते हैं, तो ये अधिगम में जो हमारे सीखने में जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं का निदान हम शिक्षण के माध्यम से करते हैं। शिक्षक हमारे उस शिक्षण में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, और उसके माध्यम से हम उन समस्याओं को दूर करते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, या कहें हम अपना जो कार्य है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, उस क्रिया को आगे बढ़ा सकें। जैसे जैसे हम जिसका शिक्षण लेते हैं, हमें उसको आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारी अधिगम संबंधी समस्याएं होती हैं, हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। फिर है हमारा पाठ्यक्रम सामग्री तैयार, यानी कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी पाठ्यक्रम सामग्री हम तैयार रखते हैं। शिक्षक भी अपने लिए तैयार रखता है कि भाई हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को और क्या नहीं पढ़ाना है, और बच्चा भी प्रिपेयर रहता है इस चीज़ के लिए कि उसे क्या पढ़ना है। तो इसमें कहा जाता है कि शिक्षण जब भी प्रभावी होगा जब उसके लिए हम अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर लेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो लिमिटेड होता है, अर्थात क्योंकि हम प्रत्येक कक्षा में, या हम कहें प्रत्येक जो हम अपना अग्रसित होते रहते हैं, आगे प्रमोट होते रहते हैं हमारे शिक्षण में, तो हम जो आगे प्रमोट होते हैं तो उससे संबंधित हम हमारे पाठ्यक्रम को निर्धारित करके हम उसी से संबंधित हमारी पढ़ाई करते हैं। तो इसमें कहा गया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, और उसमें संबंधित जो हमारी सामग्रियाँ काम आती हैं, जैसे हमारी पुस्तक, हमारे और भी इसको जो विभिन्न इसके सहायक होते हैं, उन सब चीज़ों का हम इसमें उपयोग करते हैं। शिक्षण में हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना सिखाया जाता है, या कहें तो हमें किन किन वस्तुओं की इसमें आवश्यकता होती है, ये हमें यहाँ पर बताया जाता है। फिर होता है इसमें लास्ट में मूल्यांकन। हम जब भी शिक्षण करते हैं तो एक हमारा टेस्ट हमारा मूल्यांकन करता है। हम कहें कि हमारे अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ते हैं, तो हम जो हमारा एग्ज़ाम दें, या हम जो हम टेस्ट के रूप में अगर शिक्षक हमारा टेस्ट ले रहे हैं, या आगे जो भी कार्य करवाते हैं, वो हमारे लिए एक मूल्यांकन होता है। ये अगर हम देखें कि एक हमारी रिपोर्ट कार्ड, कई मार्कशीट हमारा मूल्यांकन करता है कि ये बच्चा किस तरीके का था, और अगर हम क्लास में देखें तो ये भी कहा जाता है कि शिक्षक की पारखी नज़र होती है, वो बच्चे को ओरली अपना ऑब्जर्व करके भी बता सकता है कि बच्चा किस, बच्चे की जो मानसिक योग्यता है वो किस तरीके की है, या बच्चे का स्वभाव कैसा था, वो सारा मूल्यांकन हमारा एक शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होती है कि हमें किस तरीके से बच्चे ने जो आज तक का कार्य है वो किस तरीके का किया जाए। तो इसमें बच्चे का मूल्यांकन होता है, जिसमें हम बच्चों का फीडबैक देते हैं कि बच्चा किस तरीके के बच्चे ने कार्य किया है। तो ये विदाउट शिक्षण के, कहते हैं कि ये सारी क्रियाएँ हमारे बिना शिक्षण के संभव नहीं हो पाती।
भांति, जहां हम ज्ञान दे दें। ज्ञान एक हमारा कार्य है, ज्ञान तो एक हमारी अनौपचारिक क्रिया होती है, लेकिन ज्ञान के अंदर जो प्रक्रिया समाहित होती है वो हमारी क्या होती है, शिक्षण होती है। और कहते हैं कि ये चीज हमने देखा ही है कि शिक्षण के तीन आधार बताए हैं, शिक्षण के तीन आधार बताए थे, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताए थे कि शिक्षण के तीन आधार होते हैं, अर्थात इसमें स्टूडेंट, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तीनों इस चीज के त्रिध्रुवीय होते हैं, जो आधार होता है इनका। जैसे शिक्षक, सबसे पहला कहा जाता है कि शिक्षक हमारा आधार होता है, शिक्षक वो हमारा जो हमारा यहाँ का फोकस हम किस पे रखते हैं, पाठ्यक्रम पर, ठीक है। और किसके लिए, स्टूडेंट के लिए अर्थात छात्र के लिए, यानी कि इसमें हम कहें कि छात्र, इसमें शिक्षक, शिक्षक जो होता है, शिक्षक के बिना शिक्षण की क्रियाएं संभव नहीं हो पाती, शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक जिसे हम कहें शिक्षक और छात्र। अगर संबंध हम देखें इनका तो पाठ्यक्रम होता है, इसके माध्यम से हम हमारा कार्य पूरा करते हैं, ये हमारे शिक्षण की क्रिया होती है। अब हम देखेंगे आगे हमारे शिक्षण में ज्ञान में अंतर, कि शिक्षण और ज्ञान में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो प्रथम हमने देखा कि जो शिक्षण है हमारा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शिक्षण हमारी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, शिक्षण हमारी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है हमारे इसमें शिक्षण में, क्योंकि जो हम जैसे विद्यालय में कहते हैं कि शिक्षण हम कहाँ से लेते हैं, विद्यालय से, महाविद्यालय से, तो कहते हैं कि ये एक औपचारिक क्रिया, कहते हैं जिसमें हमारा नाम होता है, जिसे हमारे संस्था में नाम होता है, तो ये हमारा औपचारिक हुआ ना, यानी कि हम जहाँ जाकर जिस ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, या तो हम कहीं विद्यालय जा रहे हैं, महाविद्यालय जा रहे हैं, तो कहते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया हमारी परिवार या समाज में रहकर पूरी नहीं होती, किसी औपचारिक संस्था से जुड़कर हमें शिक्षण की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षण जब ही प्राप्ति होगी जब हमें उसका प्रमाण मिलेगा, और जो प्रमाण हमें मिलता है तो जब तक हम जिस संस्था में नामांकित नहीं होंगे हमें उस चीज़ का, हमें हमारा जो प्रमाण है वो नहीं मिलता। तो कहा जाता है कि औपचारिक, ये हमारा एक औपचारिक ज्ञान होता है, इसे हम औपचारिकता के द्वारा प्राप्त करते हैं। सेकंड हम ज्ञान के लिए कहें तो ज्ञान क्या है, तो अनौपचारिक, कहा कहते हैं ना कि ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्ञान के लिए तो हम कहें तो ज्ञान तो औपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों तरीके का ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान को हम विद्यालय में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं, हम बाहर कहते हैं परिवार और समाज में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम इन दोनों से भी जो प्राप्त करते हैं वो भी हमारे ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ज्ञान को कहते हैं कि ज्ञान अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार का है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है ज्ञान का, शिक्षण हम शिक्षक के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि कहा जाता है कि जब हम विद्यालय महाविद्यालय से जुड़ रहे हैं तो वहाँ हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो किन के माध्यम से दिया जाता है, प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से, अर्थात शिक्षण हमें किसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ हम जो शिक्षण हमें दिया जा रहा है वो हम नाम क्या देंगे उनको, शिक्षक, अर्थात हमें जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो शिक्षण दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है वो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, शिक्षक के माध्यम से, अर्थात शिक्षण हमें शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ हम देखें कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अनौपचारिक औपचारिक है, तो हमें ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि ज्ञान जरूरी नहीं है कि हम उस विषय से संबंधित या उस कक्षा से संबंधित ही ले रहे हैं, हम व्यवहारिक ज्ञान भी ले सकते हैं जो हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। हम ये कहें कि ज्ञान के लिए हम प्रॉपर किसी शिक्षक की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम किसी के भी माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि ज्ञान तो हमारी सत्यता होती है, अंतिम सत्य लक्ष्य होता है, और ये हमारी क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, क्या, कौन सी, शिक्षण, जिसको हम शुरुआत में प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा संस्थाओं का निर्माण, यानी कि शिक्षण के लिए हमने कहा कि शिक्षण जब औपचारिक है तो शिक्षण के लिए हमें संस्थाओं का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, हम विभिन्न विभिन्न संस्थाओं का शिक्षण प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि शिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है,
जिन संस्थाओं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहते हैं संस्थाओं में ही हमें अपने स्तर अनुकरण, जो हमारी मानसिक योग्यता है या हमारा जो स्तर है, जिसे कहें हम अपना जो लेवल होता है, अर्थात मानसिक लेवल, जो हमारा लेवल होता है, जिस कक्षा स्तर होता है हमारा, वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात ये हमारे स्तर अनुरूप हमें हमारे ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। तो शिक्षण के लिए कहें तो एक स्तर के अनुसार जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस शिक्षण की हमें आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। अगर हम यह कहें कि हमें ज्ञान के लिए किसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है, हम ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ज्ञान तो हम एक आश्रम में जाके भी ले सकते हैं। आश्रम का मतलब अगर हम कहें किसी संत महात्मा की संगति में हम जाकर 2 मिनट बैठे, तो हम उनसे जो ज्ञान, जो उपदेश ग्रहण करते हैं, जो वचन होते हैं उनके, कहते हैं कि उनकी जो वाणी वचन होते हैं उनको भी हम एक ज्ञान की श्रेणी देते हैं। या हम कहें कि हमारे घर में अगर हम किसी बड़े बुजुर्ग के पास भी बैठते हैं, तो वो भी हमें व्यवहारिक ज्ञान से हमें हमेशा व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, तो वो भी क्या आ गया हमारा ज्ञान। अर्थात अगर हम देखें तो इसके लिए हमें किसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती, किसी संस्थाओं का हमें निर्माण करना नहीं पड़ता कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए हम किसी संस्था की आवश्यकता। जैसे हमने देखा है कि हमारे आदर्श काल में, या कहते हैं प्रकृतिवाद हुआ था, तब भी हमने देखा कि जो ज्ञान ग्रहण करते थे, आदर्शवाद में तो कहते हैं कि सबसे बड़े बड़े जो ये ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे, उन्हें गुरुकुल के रूप में हमने शिक्षा ग्रहण की। और जैसे प्रकृतिवाद में आए तो हम कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठकर हमने शिक्षा ग्रहण की। टैगोर ने कहा था कि एक पेड़ है, उसके नीचे उन्होंने अपने विद्यालय की स्थापना की, उन्होंने खुले विद्यालयों की स्थापना की थी। तो ये क्यों की थी? ज्ञान प्राप्ति के लिए। यहाँ पर हमें किसी संस्था का नाम नहीं था, लेकिन उनको वहाँ रहकर उन्होंने ज्ञान दिया, और बाद में जाकर जब उनका एक नाम दिया गया शिक्षण का, तो उन्होंने अपनी शांति निकेतन के नाम से उस जगह की स्थापना की। लेकिन जब तक हम एक पेड़ के नीचे रहकर हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो शिक्षा ले रहे थे वो हमारे ज्ञान की श्रेणी में थे, लेकिन जब हमने उस संस्था को नाम दे दिया, तो हमारा शांति निकेतन के नाम से, तो हम मानेंगे कि वो हमारे लिए एक शिक्षण का, जो हमारा, हमें कहते हैं शिक्षण संस्था बन गई। तो कहते हैं कि ज्ञान के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के लिए संस्थाओं के गठन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम कहीं भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे, अच्छे शिक्षण से ज्ञान की प्राप्ति। ये हमने पहले भी बताया था कि जब तक हम ज्ञान को पूर्ण रूप से, या शिक्षण को, जिस विषय के बारे में हम शिक्षण लेना चाह रहे हैं, वो शिक्षण हमें अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए हम कहें तो एक माध्यम की, हम अगर अच्छे माध्यम की भी अगर हमारे पास कमी रह जाती है, तो हमें वो शिक्षण की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें अच्छी शिक्षा लेनी है उस चीज़ के संबंधित, तो हमें उस ज्ञान के लिए अच्छे शिक्षण की आवश्यकता होती है। और अच्छे शिक्षण से कहा जाता है कि अच्छे शिक्षण के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस विषय के बारे में आप लेना चाह रहे हो ज्ञान, अगर उसका पूर्ण ज्ञान देने वाला कौन होता है? उस विषय से संबंधित उसका ज्ञाता। अगर हम उसको पूर्ण रूप से, अगर उन्होंने मुझे, हमें शिक्षक ने अगर अच्छे ढंग से हमें समझाया, कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को अच्छे ढंग से उन्हें संचालित किया है और हमने उसे अच्छे ढंग से ग्रहण किया है, तो वह शिक्षण हमारा एक अच्छा और प्रभावी शिक्षण होगा। तो वो अगर हमने अच्छा शिक्षण पूर्ण रूप से उसके बारे में शिक्षा ग्रहण कर ली, तो अंतिम हमारा उस विषय से संबंधित हमारा ज्ञान हो गया। अगर इसमें देखें आगे हम, तो कहते हैं कि ज्ञान के लिए शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं ना कि ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारा सत्य है। तो इसमें यही चीज कही गई है कि ज्ञान को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम कहें कि ज्ञान के लिए हमें यहाँ शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती है, या हम स्वयं उस ज्ञान को लेते हैं, स्वयं हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, बस इतना होता है कि ज्ञान लेने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता होना चाहिए कि हम उस विषय के बारे में ज्ञान किस तरह से ले रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञान को हम क्या करते हैं, ज्ञान
ज्ञान एक साक्षर होने के लिए होता है। यानी कि हम कहते हैं कि गणित विषय के बारे में अगर हम ले रहे हैं तो हम उस गणित विषय की सूचनाएं प्राप्त करेंगे, लेकिन उन सूचनाओं को किस तरीके से प्रयोग में लेना है ये हमें शिक्षण प्रक्रिया में समझाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया कि ये हमारे एक अच्छे शिक्षण के लिए, हम कहते हैं कि अच्छे शिक्षण क्या है इसमें, अब हम देखें कि हमारे लिए हमारी संस्कृति क्या महत्वपूर्ण है, हमारे क्या आदर्श है, उन मूल्यों को अगर हम पीछे देखें, उन मूल्यों के आधार पर उन लोगों से प्रभावित होकर हम एक अच्छे शिक्षण से शिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसमें कहा गया कि अच्छे शिक्षण की प्राप्ति के लिए हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि ज्ञान ये शिक्षण क्या है, परिवर्तनशील है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी शिक्षण व्यवस्था में, आप उसी तरह से ज्ञान ग्रहण करेंगे। जैसे हमने देखा कि पहले जो हमारा शिक्षा ग्रहण करने का तरीका था वो किस पर था, कहते हैं हम शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक केंद्रित, जिसे हम अध्यापक केंद्रित भी बोल सकते हैं, यानी शिक्षक केंद्रित हमारा पाठ्यक्रम था। आज हम इस विषय वस्तु से, क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तनशील है, कि समय के अनुसार हमें परिवर्तन होना रहना चाहिए, तो इस शिक्षण की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है कि शिक्षण हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, शिक्षक केंद्रित, लेकिन आज की जो शिक्षा या आज का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित, हमारा आज का हो गया बाल केंद्रित। तो ये क्यों हुआ, परिवर्तन के कारण, जैसे जैसे हमारे शिक्षण में आवश्यक होने लगी उस पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना दिया गया। पहले थे कि शिक्षक केंद्रित थे, उन्होंने जो शिक्षक बना दिया, शिक्षक ने जो बोल दिया वो अपने अनुसार पढ़ाते थे, अपने श्रम के आधार पर वो पाठ्यक्रम तैयार करते थे कि उन्हें क्या बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आज का जो है वो हमारा पाठ्यक्रम सबसे पहले बाल केंद्रित है, क्योंकि वो शिक्षा के लिए कौन महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट, यानी शिक्षण प्रक्रिया में हिस्सा कौन ले रहे हैं, बच्चे। अगर छात्र से संबंधित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो बच्चे उसके में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उसमें बताया गया कि जो पाठ्यक्रम होता है हमारा वो आज का बाल केंद्रित है। तो इसमें कहा जाता है कि शिक्षण एक परिवर्तनशील है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो ज्ञान है वो है परिवर्तनशील होता है। कहते हमने जो ग्रहण कर लिया, हमने कह दिया कि पत्थर से ठोकर लगी खून निकले, तो हम उस चीज को नहीं बदल सकते कि हमारे पत्थर से लगने से खून नहीं 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 निकलता। तो कहते हैं कि ज्ञान है परिवर्तनशील होता है, क्योंकि हम ज्ञान की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य में करते हैं और उसे हम अपने मस्तिष्क में इस तरह से बिठा लेते हैं कि वो चेंज नहीं होता। जब तक उसकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं हम परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य होता है उसकी पूर्ति हो जाती है तो हम उसमें परिवर्तन नहीं करते। लास्ट में हमारी शिक्षण प्रक्रिया, इसकी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, कहते हैं कि ये शिक्षण प्रक्रिया हमारी किससे संबंधित होती है, शिक्षक के द्वारा छात्रों को शिक्षण, ये जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें क्या होता है हमारा, शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान की जाती है, छात्रों को प्रदान की जाती है, यानी ये शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षक और छात्र, यानी कि दोनों की क्रिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शिक्षण आखिरकार क्या होता है, शिक्षण होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की अंतःक्रिया। इसीलिए शिक्षण के अंदर क्या कहेंगे, शिक्षक द्वारा छात्रों को क्या दिया जाता है, ये क्रिया किन दोनों के बीच में होती है, शिक्षक और छात्रों के मध्य। लेकिन अगर हम कहें कि जो हमारे ज्ञान है वो किस पर आधारित है, ये तो हमारे शिक्षक और छात्र पर आधारित है, लेकिन ये हमारी किस पर आधारित है, अधिगम पर, अर्थात हमें जो सीखने की हमारी इच्छा होगी या हम सीखना चाहते हैं। कहते हैं ज्ञान एक जिज्ञासु होती है, हमारी उत्सुकता होती है, जिस बारे में हमारे ज्ञान के लिए हम प्रेरित होंगे वो ही हम सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिसकी हमें सीखने की आवश्यकता है ये सीखने पर है, और यहाँ हमारी ये सीखने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच की क्रिया है, यानी कि शिक्षण हमारे शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हमारी अधिगम है। अब ये कहते हैं इसमें जो हमारी शिक्षण है उसमें हमारा पाठ्यक्रम कैसा होता है, सीमित होता है, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र हमारा कैसा होता है, असीमित। ये मैंने आपको पहले बताया कि ज्ञान के तो बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षण में तो हम पार्टिकुलर वो ही लेते हैं जिस क्लास की या जिस विषय की हमें लेने की आवश्यकता होती है। आप कहें हम लास्ट में कि शिक्षण हम कैसा होता है, शिक्षण हमारा रोजगार उन्मुख होता है, यानी कि जिसके द्वारा हम शिक्षण प्राप्त करके हमारे रोजगारों की प्राप्ति करते हैं। और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हमारा जरूरी नहीं कि हमें वो रोजगार प्रदान करे, हम और भी उसके लिए ज्ञान प्राप्त
करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रुचि उत्पन्न करना। कहते हैं कि जहाँ ज्ञान तो हमारा पहले से ही रुचिपूर्ण होता है, यानी कि हम उस तथ्य को, उस घटना को जानने के लिए पहले से उत्सुक होता, हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम किस तरीके से उस ज्ञान की प्राप्ति करें। यानी कि ज्ञान के लिए मैंने पहले बताया था किसी तथ्य और किसी घटना, किसी वस्तु से संबंधित होता है कि जो हमारे अंदर पहले से ही जिज्ञासु बना देता है कि हम इसे के बारे में जाने, अर्थात वो इच्छा पहले से जागृत होती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तभी हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया को हमें रुचिपूर्ण बनाना पड़ता है, यानी शिक्षक को वो कार्य करने पड़ते हैं, शिक्षक को वो मेहनत करनी पड़ती है कि छात्र उसमें इंटरेस्ट ले, अर्थात इसमें रुचि उत्पन्न करवाना पड़ता है और इसमें हमेशा पहले से ही रुचि उत्पन्न होती है। अब इसके लिए कहें हम नेक्स्ट पॉइंट कि जो शिक्षण के लिए है जो सरकार भी खर्च करती है, कहते संस्था बनाती है, निःशुल्क शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो कहाँ, किसी संस्था के माध्यम से, क्योंकि ये तो संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। तो आजकल जो हमारी गवर्नमेंट जो विभिन्न निःशुल्क कार्य करती है, या कहते हैं कि विभिन्न हमारी गवर्नमेंट स्कूलों का, तो ये किसका खर्चा होता है, सरकार का भी होता है। तो उसमें कहते हैं कि सरकार भी शिक्षा प्रक्रिया में अपव्यय करती है, लेकिन ज्ञान में सरकार का कोई खर्च नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हमारा खुद का स्वयं का होता है कि हम ले या ना ले। तो ये थे मेरी आज की वीडियो में आपके कि शिक्षण के कार्य और शिक्षण व ज्ञान में अंतर। ये आज का हमारा टॉपिक जो खत्म होता है शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का स्वरूप क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है, शिक्षण के कार्य क्या है और शिक्षक और ज्ञान, शिक्षण और ज्ञान में अंतर। तो ये टॉपिक हमारा आज का यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।